मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से कांग्रेस पार्टी में छाई शोक की लहर। नीतीश की टीम में शीला की एंट्री, विधायक का टिकट काट बनाया उम्मीदवार, पहला चुनाव लड़कर ही बनी मंत्री। न्यायालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा के CBSE छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने संबंधी याचिका को किया खारिज। बराक ओबामा बोले, ट्रंप को अपनी हार अब स्वीकार कर लेनी चाहिए। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक खत्म, 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र का बुलाने का प्रस्ताव पास। BSP के सदस्यता अभियान के तहत 5000 लोग हुए पार्टी में शामिल, सतीश चंद्र मिश्र ने कहा, जोड़ना बसपा का स्वभाव। बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित LLB की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के चलते पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य दो आरोपी को हरियाणा और फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। मामले में अभी भी अन्य दो आरोपी फरार। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं थे मनमोहन, इसलिए सोनिया गांधी ने PM बनाया। शिवानंद तिवारी ने कहा, भाजपा के कम नीतीश के ज्यादा सहयोगी थे सुशील मोदी, इसलिए पार्टी ने हटाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच CM केजरीवाल के केंद्र को भेजा प्रस्ताव, फिर लॉकडाउन की मांग।